हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस आज हम लोग सेवेंथ चैप्टर करेंगे स्टैंडर्ड थ्री की जो एसएसटी बुक है आवर सोशल एनवायरनमेंट उसके सेवेंथ चैप्टर को करेंगे उस चैप्टर का टाइटल है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया हम लोग रीड करेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया क्रिएट द एग्जिस्टेंस ऑफ द होल नेशन हाईलाइटिंग द प्राइड एंड प्रेस्टीज दे रिप्रेजेंट द आइडेंटिफिएबल फीचर्स दैट मेक इट

वो क्या क्रिएट करता है क्या बनाता है एग्जिस्टेंस ऑफ द होल नेशन वो जो देश के जो चिन्ह होते हैं देश के सूचक चिन्ह जो होते हैं वो पूरे देश को बनाते हैं हाँ टोटल देश को एक बनाते हैं हाँ और वह देश के अभिमान और उसके प्रेस्टीज को है ना उसके मान को दिखाते हैं कि देश के में कितना गर्व है कितना मान है देश में क्या अच्छी चीज़ें उसे वो दिखाते हैं वो कुछ ऐसे फ़ीचर्स दिखाते हैं जिनको देखते ही लोग पहचान जाते हैं हाँ और जान जाते हैं कि नहीं ये एक अलग इसी देश का है वो और किसी देश का नहीं हो सकता है तो दे रिप्रेजेंट द आइडेंटिफिएबल फ़ीचर्स मतलब ऐसे फीचर्स दिखाते हैं ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिन्हें हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जान पाते हैं कि यह इंडिया है और यह दूसरे दूस, देशों से अलग है ठीक है आखिर नेशनल सिंबल्स जो है देश के सूचक चिन्ह वह क्यों बनाए जाते हैं ठीक है वो बनाए जाते हैं ताकि जो है लोगों को एकता लोगों में एकता ला सके लोगों को यूनाइट कर सके कैसे ताकि जो देश के जितने भी लोग हैं लोगों के जो वैल्यूज़ हैं जैसे हमारा देश जो है शांति प्रिय देश है है ना तो हमारे देश का जो वैल्यूज़ है हु? और जो गोल्स है हमारे देश का जो ऑब्जेक्टिव है कि हाँ सारे देश की जनता यूनाइटेड रहे सब एक दूसरे का सम्मान करे सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहे ये सब जो गोल्स है देश का और देश की जो पुरानी हिस्ट्री है इतिहास है हाँ ये सबको दिखाने के लिए ये सब को रिप्रजेंट करने के लिए कैसे विजुअल तरीके से भी कि कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें आप देख के पहचान जाएंगे कि देश क्या बता रहा है अपने बारे में वर्बल भी है जैसे गाना है देश का एंथम जो है वो या आइकॉनिक है यानी देश का मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा राष्ट्रपति भवन है उसका छोटा रूप दिखाया जाए तो ये सब आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन उसका छोटा रिप्रेजेंटेशन फ़ोटो करके दिखाया जाता है तो ये सबसे पता चलता है कि देश के लोग कैसे हैं उनके वैल्यूज़ कैसे हैं कैसी सोच है देश की देश का गोल क्या है देश क्या करना चाहता है फ्यूचर में किस तरीके का देश रहना चाहता है उसका इतिहास क्या है तो हमारे जो नेशनल सिंबल्स है वो सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे द नेशनल फ्लैग तिरंगा नेशनल फ्लैग फॉर फ्रीडम इट इज अ ट्राई कलर फ्लैग बिकॉज इट हैज थ्री ऑफ व्हाइट एंड ग्रीन कलर्स इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग इज अ ब्लू व्हील कॉल्ड द अशोक चक्र और धर्म चक्र इट हैज हैजोर स्पोक्स द चक्र और व्हील स्टैंड प्रोग्रेस द थ्री कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर सर्टन क्वालिटीज सैफरन स्टैंड फॉर करेज एंड एंड्रीफाइस व्हाइट स्टैंड फॉर ट्रूथ जस्टिस एंड पीस ग्रीन स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी द नेशनल फ्लैग इज फाउंड ऑन ऑल कमन बिल्डिंग्स इट वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनस्ट फिफ्टीन फोर्टी सेवन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट इन डेली वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग वेन द फ्लैग इज होस्टेड वी मस्ट सेल्यूटेड हमारे जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है नेशनल फ्लैग है दैट स्टैंड फॉर फ्रीडम वह दिखाता है कि हमारा देश स्वतंत्र है है ना हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह स्वतंत्रता दिखाता है कि हमारा देश स्वतंत्र है वह ट्राई कलर है तीन रंगों का फ्लैग है क्यों क्योंकि इसमें तीन ऐसे हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं तीन सीधे सीधे बैंड्स हैं दो तरीके का होता है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पूरा बिल्कुल नाइन ऐसे सीधा खड़ा रहेगा वो हो, हॉरिजॉन्टल जो लेटा हुआ लाइन रहेगा जो बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा वर्टिकल जो लेटा हुआ लाइन रहेगा उसे हॉरिजोंटल कहते हैं तो तीन मोटे मोटे ऑरिजोंटल बैंड्स हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो कि किस किस कलर के है? सैफरन है वाइट है ग्रीन है जो व्हाइट कलर है उसके भीतर ब्लू कलर का एक चक्र है ब्लू व्हील है उस व्हील का क्या नाम है वह अशोक चक्र या धर्म चक्र कहलाता है उस व्हील में जो डंडे बने हैं उस चक्र के जो डंडे बने हुए हैं स्पोक्स जिनको कहते हैं वो कितने हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर स्पोक्स है जो चक्र है वो क्या क्या दिखाता है द चक्र और व्हील स्टैंड फॉर प्रोग्रेस वो चक्र गोल गोल घूम बताता है कि ये चक्र घूमता रहता है और यह दिखाता है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है प्रगति करते जा रहा है आगे आगे बढ़ रहा है हमारा देश ठीक है तो सबसे ऊपर सैफरन कलर होता है बीच में वाइट नीचे ग्रीन और वाइट कलर में ब्लू कलर का व्हील होता है जिस व्हील में ट्वेंटी फोर स्पोक्स होते हैं उस व्हील को अशोक चक्र या धर्म चक्र कहते हैं अब जो तीन कलर हमारे फ्लैग में है वो सब भी कुछ कुछ क्वालिटीज हैं उनका ऐसे ही कोई भी कलर नहीं डाला हुआ है जो सैफरन कलर है ऑरेंज टाइप का जो फर्स्ट का बैंड का जो कलर है दैट स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस वह दिखाता है कि हमारे देश के जो भी सेना के लोग हैं या पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो लोग इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में जो क्रांतिकारी थे या दूसरे लोग जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके करेज को दिखाता है उनके साहस को दिखाता है एंड सेक्रीफाइस और उनके बलिदान को दिखाता है कि हमारे देश के जो आर्मी हैं जो मिलिट्री के लोग हैं वो लोग किस तरह अपनी जान को बलिदान कर देते हैं देश की रक्षा के लिए इसी तरह पुराने समय में कितने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान अपने प्राण त्याग दिए अपने अपने आप को बलिदान कर दिया देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ठीक है तो वह साहस और सैक्रिफाइस साहस और बलिदान दिखाता है एंड सेक्रीफाइस वाइट क्या चीज के लिए स्टैंड करता है व्हाइट कलर ट्रूथ जस्टिस एंड पीस व्हाइट कलर दिखाता है कि हमारा देश सच्चाई में विश्वास करता है जस्टिस में न्याय में विश्वास करता है कि सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो सबको न्याय मिले किसी के साथ अन्याय नहीं हो जो लॉ है सबके लिए इक्वल है सबके लिए वो एक ही कानून है एंड सक्रिय पीस और शांति दिखाता है व्हाइट कलर कि हमारा देश क्या है शांति प्रिय है हम लोग दूसरे देश से युद्ध नहीं करना चाहते हम लोग शांत देश के भीतर शांति मेंटेन करके रखना चाहते हैं ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी जो ग्रीन कलर है वह दिखाता है कि हमारा देश समृद्ध है प्रोस्पर है मतलब हमारे देश में बहुत अच्छी खेती होती है लोग सारे लोगों को खाना मिलता है सब अच्छे से रहते हैं और देश धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है समृद्ध देश है हमारा प्रॉस्पर देश है प्रॉस्परस है ठीक है नेशनल फ्लैग आप जिस भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास जाएंगे वहाँ पे वो नेशनल फ्लैग ध्वज फहराता हुआ आपको दिखाई देगा है ना लहराता हुआ हर नेशनल बिल्डिंग के ऊपर पहली बार इस नेशनल फ्लैग को कब फहराया गया था होस्ट कब किया गया था जिस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी फिफ्टीन अगस्त 1947 को किसने इसे होस्ट किया था किसने इसे फहराया था हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने उसे फहराया था ठीक है और किस जगह पे तो दिल्ली में जो लाल किला है रेड फोर्ट है दिल्ली का लाल किला है ना रेड सैंड से बना हुआ बड़े बड़े रेड सैंड से बना हुआ तो दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पर इस ध्वज को पहली बार फहराया गया था हम लोग को अपने राष्ट्रीय ध्वज का को सम्मान देना चाहिए हाँ रिस्पेक्ट देना चाहिए जो फ्लैग होस्ट होता है जब हम देखें हम कहीं खड़े हैं और वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है तो हमें उसे सैल्यूट करना चाहिए द नेशनल एम्प्लम Our national emblem has been designed after Ashoka's pillar at Sarnath. It consists of four lions facing four directions, but only 3 can be seen from the front. At the base of the emblem there is a wheel, there is a bull on a right on the right and a horse on the left of the wheel. Our motto Satyameva Jayate means truth alone triumphs is written on the base of the emblem. The emblem is used on all official stationery and seals of the government. एम्बलम प्रमोनेंटली हम लोग के देश का जो नेशनल एम्बलम है ठीक है नेशनल एम्बलम को के? जो देश का जो चिन्ह है नेशनल एम्बलम उसे कैसे डिजाइन किया गया है एक बहुत ही महान राजा थे राजा अशोक थे हमारे देश में तो वो क्या करते थे कि बड़े बड़े पिलर्स में बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर वो लोगों को जो मैसेज देना चाहते थे उसे वह खुदाई करके लिखवाते थे और लोगों तक वह मैसेज जाता था ठीक तो है तो सारनाथ एक जगह है वहाँ पे ऐसे ही अशोक का अपना स्तंभ है अशोक का पिलर है वहाँ पे ये ही बना हुआ है ठीक है ये क्या है इसमें चार लायंस बने हुए हैं ठीक है चार लायन बने हुए हैं अशोक ने इस तरह का बनवाया था अपने जब वह राज्य कर रहा था कि चार पत्थर के लायन शेर बने हुए हैं जिनमें से तीन दो साइड में देख रहे हैं एक सामने देख रहे हैं तो हमें तीन दिखाई देता है जब हम सामने से देखते हैं जबकि एक और पीछे की तरफ होता है तो चार शेर बने रहते हैं ठीक है और उसके नीचे जो है मिडिल वाले शेर के नीचे एक चक्र बना हुआ है ठीक है और उसके राइट साइड में एक बुल है बुल मतलब एक जो ऑक्स होता है वो है जो गाय का मेल होता है ऑक्स वो है और लेफ्ट साइड में क्या है एक घोड़ा है हॉर्स का हॉर्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एक तरफ बुल का स्ट्रक्चर एक तरफ हॉर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है ठीक है और बीच में चक्र है ऊपर चार लायन है और उसके नीचे जो है लिखा हुआ है हमारे देश का जो मोटो है जिस बात पे हमारा देश विश्वास करता है सत्यमेव जयते उसका मतलब क्या है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स मतलब कि सिर्फ सच्चाई की ही विजय होती है वो एम्बलम में नीचे लिखा हुआ है अब इस एम्बलम का यूज़ क्या है तो आप ज़्यादातर आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में ना जहाँ उनका असम्बली ग्राउंड होता है वहाँ पे ये एम्बलम बहुत जगह बना रहता है फिर जितने भी आप नोट्स देखेंगे कॉइन्स देखेंगे करेंसी जो होता है जो पैसे होते हैं देश के नोट्स कॉइन्स उसके ऊपर ये एम्बलम बना रहता है फिर जितना भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेपर्स होता है जैसे वीज़ा हो पासपोर्ट हो वो सब के ऊपर भी ये नेशनल एम्बल बना रहता है और गवर्नमेंट का जो सील्स होता है ना जिसे स्टैम्प मारते हैं वो सब में भी ये नेशनल एम्बलम बना हुआ रहता है तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टेशनरी है यानी ऑफिस यूज़ के जितने भी सामान हैं उन सब पे ये एम्बलम यूज होता है और स्टैम्प में भी एम्बलम यूज़ किया जाता है तो ये कहाँ से लिया गया है ये राजा अशोक ने बनवाया था उन्हीं के समय और इस जगह पे सारनाथ में बनाया था राजा अशोक जब राज्य कर रहे थे तो उसी से इस एम्बलम को लिया गया है। क्यों क्योंकि राजा अशोक बहुत ही महान राजा थे हमारे देश के द नेशनल एंथम जनगणन मना इज अवर नेशनल इट इज संग ऑन ऑल नेशनल फेस्टिवल रविंद्रनाथ टेगोर वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर नेशनल द नेशनल एंथम अब जो है जो नेशनल एंथम है यानी हमारे राष्ट्रीय गीत जो है देश का ठीक है राष्ट्रीय गीत जो है वो है क्या जनगण मना है नेशनल एंथम है जितने भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं नेशनल फेस्टिवल क्या क्या होंगे रिपब्लिक डे होंगे और इंडिपेंडेंस डे होगा तो वो सब जगह पे उस नेशनल एंथम को गाया जाता है और जो भी नेशनल इवेंट्स होते हैं कुछ बड़े बड़े देश के काम हो रहा है जैसे प्रधानमंत्री कहीं भाषण बड़ी जगह पे दे रहे हैं कुछ नया इनोग्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे वो बजेगा तो देश से रिलेटेड जो भी इवेंट होगा वो सब जगह पे उसे गाया जाता है इसे किसने लिखा था एक बहुत ही फेमस पोएट थे कवि थे रविंद्र टैगोर थे है ना वो वो जो है उन्हें नोबल प्राइज भी मिला था पोएट्री के लिए हमारे देश के हैं वो तो उन उन्होंने ही इस गाने को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें हमारे नेशनल एंथम को सम्मान देना चाहिए जब भी नेशनल एंथम हमें सुनाई दे कहीं गाए लोग गा रहे हैं तो हमें सीधा स्ट्रेट खड़े हो जाना चाहिए अटेंशन में The national flower. The lotus is our national flower. It stands for unity and symbolizes the purity of heart and mind. It carries the heritage of Indian tradition. The national animal. Tiger. The tiger is our national animal, stands for grace, power, and strength. The national bird. The peacock is our national bird. The beautiful colors in the peacock's feathers stand for the natural beauty, grace, joy, and love. The national fruit. The mango is our national fruit. फेवरेट ऑफ मोस्ट इंडियंस दिस फ्रूट शेप्स. ठीक है तो नेशनल फ्लावर जो है हमारे देश का नेशनल फूल है राष्ट्रीय पुष्प जो है नेशनल फ्लावर वो क्या है लोटस या कमल है वो क्या बताता है यूनिटी दिखाता है कि हमारा दे, हमारे देश में एकता है एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड को सिंबलाइज करता है कमल यह दर्शाता है कि लोगों का हार्ट और माइंड प्योर होना चाहिए उसमें गलत भावना नहीं आनी चाहिए हमारे देश के लोगों का हार्ट और माइंड प्योर है हाँ सब एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहते हैं और एकता में रहते हैं ठीक है इट कैरीज द हेरिटेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन वो क्या है कि हमारे देश में पुराने समय से जो है यही सिखाया जाता है कि अपना माइंड और हार्ट पूरा प्योर रखना चाहिए आ, साफ रखना चाहिए माइंड और हार्ट ठीक है द्वेष ईर्ष्या माइंड और हार्ट में नहीं लाना चाहिए और देश एकता में रहना चाहिए देश यूनाइटेड रहना चाहिए तो वो जो पुराने समय से हमारे देश में चला आ रहा है जो ट्रेडिशन हाँ वो ही अभी भी वो दिखाता है कि उसी को वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग नेशनल फ्लावर यही दिखाता है अब नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु हमारा कौन है टाइगर है बाघ है हमारा नेशनल पशु पशु वह क्या दिखाता है ग्रेस दिखाता है मतलब कितना सौम्य है कितने अच्छे तरीके से धीरे धीरे वो चलता है ना तो हमारे देश के लोगों में ग्रेस है वो पूरा अनसिविलाइज लोगों के जैसे नहीं करते अच्छी तरह से धीरे धीरे बातें करते हैं वह पावर दिखाता है कि कितना ताकतवर है देश के लोग और स्ट्रेंथ दिखाता है कि कितने अंदरूनी ताकत भी है लोगों के पास है ना साहस और ताकत और ग्रेस दिखाता है सौम्यता दिखाता है अब नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है पिकॉक मोर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो पिकॉकॉक का जो फेदर्स है पिकॉक के जो पंख है उसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं नेचुरल ब्यूटी ग्रेस जॉय एंड लव वो नेचुरल ब्यूटी दिखाते हैं कि हमारे देश में प्राकृतिक सुंदरता बहुत है सब तरफ बहुत सुंदर सुंदर जगह है पहाड़ है झील है नदियाँ हैं ग्रेस दिखाता है कि सौम्यता दिखाता है कि सब बहुत ही सुंदर और डेलिकेट है जॉय दिखाता है खुश है प्रकृति की सुंदरता देख के लोग बहुत खुश है लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं और प्यार दर्शाता है कि लोग प्रकृति से भी प्यार करते हैं लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और अच्छे से रहते हैं नेशनल फ्रूट है ना राष्ट्रीय फल हमारे देश का क्या है मैंगो है आम वो ज़्यादातर इंडियंस का वो फेवरेट फ्रूट है है ना बहुत सारे इंडियंस को वो बहुत पसंद आता है और बहुत ही पुराने समय से हमारे देश में उसे उसके उसकी खेती की जा रही है कल्टीवेट किया जा रहा है बहुत ही पुराने समय से आम हमारे देश में उगाए जा रहे हैं और हमारे देश में सौ से भी ज्यादा वेराइटी हंड्रेड से भी ज्यादा वेराइटी के मैंगोज है तरह 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 के मैंगोज हैं हमारे देश में अलग अलग कलर के हैं अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के हैं तो इस तरह बहुत मैंगोज हमारे देश में उगाए जाते हैं लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ही पुराने समय से भी मैंगो उगाए जा रहे हैं इसलिए वो हमारा राष्ट्रीय फल है नेशनल ट्री द बानियान ट्री इज आवर नेशनल ट्री बानियान ट्री इज अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर Whose branches root themselves like new trees over a large area. It symbolizes the country's unity. National River Ganga is our national river. It is the longest river in India, flowing over 2510 kilometers through the mountains, valleys, and plains. It originates in the snow fields of the Gangotri Glacier. The Ganga is revered as the most sacred river on earth. नेशनल गेम हॉकी इज अवर नेशनल गेम इंडिया हेज़ earned the reputation to have won six successive gold medals in olympics राष्ट्रीय वृक्ष जो है राष्ट्रीय पेड़ हमारे देश का क्या है बानियान ट्री है बरगद का पेड़ जो है वह हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ है वो बहुत ही बड़ा होता है अगर आपने देखा होगा बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है बहुत ही दूर तक फैला हुआ रहता है और उसकी जो डालियां निकलती हैं उसकी डालियों से ही लंबे लंबे जड़ निकलते हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लटकते हैं और वापस वह ज़मीन में घुस जाते हैं ऊपर से लटकते हुए जड़ होते हैं पेड़ से जो कि ज़मीन में वापस घुस जाते हैं और इस तरह वह बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ रहता है बरगद का पेड़ वह क्या दिखाता है कंट्री का यूनिटी कि जिस तरह बरगद का पेड़ पूरी तरह से फैला हुआ है पानियान ट्री तो हमारे देश में से फैली हुई एकता है लोग बहुत ही यूनाइटेड है इसी तरह राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है तो गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है वो सबसे लंबी नदी है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में कितनी दूरी तक जा रही है वो 2510 थाउजेंड किलोमीटर्स वो कवर कर रही हैं कहाँ से माउंटेंस पहाड़ से घाटियों से प्लेन एरिया से बहती हुई जाती है फिर समुद्र में जली जाती है ठीक है ये कहाँ से शुरू होती है तो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है बर्फ का शिल बर्फ की शिला है बर्फ का बहुत बड़ा सा पत्थर है ऊपर हिमालयास में से गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं हम वहीं से वो ही धीरे धीरे पिघलता रहता है और उसी से यह नदी में पानी आता रहता है और वह पहाड़ों ज, और घाटियों से होकर प्लेन एरिया में आ जाती है उसे सबसे पवित्र नदी हमारे देश की मानी जाती है उससे पूजा उस उसे पूजा पाठ के कामों में भी यूज़ किया जाता है उसके पानी को तो उसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है हमारे देश का नेशनल गेम है ना राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है हॉकी है क्यों क्योंकि इंडिया को बहुत रेपुटेशन मिला है इंडिया का मान नाम बहुत बड़ा है क्यों क्योंकि ओलंपिक्स में लगातार छः बार जो है हॉकी में इंडिया ने गोल्ड मेडल लाया था लगातार छः बार तो इसीलिए वह हमारा राष्ट्रीय खेल है इंडिया का सारे कंट्री के लोग इंडिया को पहचानते हैं उसके हॉकी खेल के कारण नेशनल एक्वेटिक एनिमल द रिवर डॉल्फिन Is our national aquatic animal. Its habitat is the river Ganga and represents the purity of the holy river as it can only survive in pure and fresh water. National song "Vande Matram" is our national song. It was composed by Bankim Chandra Chatterjee. "Vande Matram" means "Hail Motherland." "Vande Matram" was first sung at a political meeting in 1896. The song gained immediate and lasting recognition as a hymn to India.

पानी का पशु है ना जलीय पशु जो जल में रहने वाला पशु पशु राष्ट्र हमारे देश का कौन सा है तो वह डॉल्फिन है रिवर डॉल्फिन नदी में रहने वाली डॉल्फिन मछली क्यों क्योंकि जो वो कहाँ रहती है वह वा प्योर वाटर में ही रहती है फ्रेश वाटर में रहती है तो यह हमारे देश में गंगा नदी में पाई जाती है रिवर डॉल्फिन तो यह दिखाती है कि यह नदी कितनी प्योर है यह जो ली रिवर है यह जो पवित्र नदी है यह कितने प्योर है कि उसका पानी हमेशा फ्रेश रहता है इसीलिए उसी में वह रिवर डॉल्फिन पाई जाती है राष्ट्रीय जलीय पशु अब देखिए दो था एक नेशनल एंथम था राष्ट्रगान जिसे कहते हैं और एक वंदे मातरम है जो कि राष्ट्रीय गीत है तो नेशनल एंथम राष्ट्रगान है और वंदे मातरम नेशनल राष्ट्रीय गीत है ठीक है तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है वंदे मात्रा में ऐसे किसने लिखा है तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने उन्हें लिखा था उसका मतलब है हेल मदरलैंड मतलब हमारे मातृभूमि की जय हो ठीक है वंदे मातरम मातृभूमि की हम पूजा करें मातृभूमि की जय हो वो पहली बार एक पॉलिटिकल मीटिंग था मतलब पार्टीज जो थे जैसे देश में बहुत सारे पार्टीज होते हैं ना तो पार्टीज का मीटिंग हो रहा था जो है आ, कांग्रेस की पार्टी बीजेपी की पार्टी ऐसे बहुत सारे पार्टी मिलकर मीटिंग कर रहे थे कब 1896 में मतलब इंडिपेंडेंस के पहले उस समय जो है वो सब लोग मिलकर क्या करते थे कैसे हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिले उसकी कोशिश करते थे उसी के लिए मीटिंग करते थे तो उसी टाइम यह गाना गाया गया था और जब उस टाइम यह गाना गाया गया था यह गीत गाया गया था उसी समय से लोगों को वो बहुत पसंद आया था और लोग सब लोग उसे जान गए थे सब उसे पहचानने लगे थे उस गीत को और वह बिल्कुल एक हमारे देश के लिए एक हिम बन गया मतलब एक भजन के जैसा हो गया और वो हमारे देश की ताकत को दिखाता है और एकता को दिखाता है तब से उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में यूज़ करते हैं और स्कूल्स में भी उसे गाया जाता है वंदे मातरम नेशनल करेंसी हमारे देश की जो करेंसी है जो पैसे हैं हमारे देश के वो क्या है रुपया है हर देश का अपना क्या जैसे यूएसए का डॉलर है नेशनल करेंसी इस तो तरह हमारे देश का नेशनल करेंसी क्या है तो वह रुपया है ठीक है और एक रुपये में कितने पैसे होते हैं हंड्रेड पैसे होते हैं एक रुपये में तो 2010 में हम लोग पहले रुपीज को आर लिखते थे कैपिटल आर फिर 2010 ने टेन में गवर्नमेंट ने एक उसका सिंबल बनाया बोला इसी से हमारे नेशनल करेंसी को जाना जाएगा वो कैसे है वो हिंदी में र जैसे लिखते हैं वैसे र लिखा हुआ है और उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है र के ऊपर तो एक दा, 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 लाइन होता ही हॉरिजॉन्टल और उसके मिडिल से कटता एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है जो कि इंडियन रुपी को दिखाता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसी सिंबल को सिलेक्ट कर लिया कि नेशनल करेंसी के लिए वही सिंबल रहेगा द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग तिरंगा अडॉप्टेड ऑन जुलाई ट्वेंटी द नेशनल एम्बल वॉज अडोप्टेड बाई दिक्सन मन वॉज फर्स्ट संग ऑन दिसंबर एट द कैलकटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो नेशनल फ्लैग का डिजाइन है कि सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन होगा बीच में चक्र रहेगा ये कब हुआ था कब इसे मान लिया गया था पहले क्या होता था ये तीन कलर रहते थे पर बीच में चरखा रहता था बाद में उसे चक्र में बदल दिया गया तो ये 1947 जुलाई 22 को को मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के जस्ट थोड़ा पहले ही उसे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज मान लिया गया था कि ऐसे ही डिजाइन का हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा ठीक है अब नेशनल एम्ब्रम एम्बलम जो है देश का जो सूचक चिन्ह है उसे गवर्नमेंट ने कब अडॉप्ट किया कब माना कि नहीं अशोक जी का जो ये पिलर है राजा अशोक का वो हमारा नेशनल एम्बलम होगा वह जनवरी 26 1950 में गवर्नमेंट ने उसे माना जो कि हमारा रिपब्लिक डे था जिस दिन पहला रिपब्लिक डे जनवरी ट्वेंटी सिक्स में इसी तरह पहले एक पार्टी हुआ करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था हमारे देश में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी हुई रहती हुआ करती थी उस वक्त तो वो लोग जो है कैलकटा में अपना सेशन कर रहे थे अपनी मीटिंग कर रहे थे कैलकाटा में कब 27 दिसंबर 1911 में 27 दिसंबर 1911 में उनकी मीटिंग हो रही थी कैलकटा में तो वहाँ पे यह राष्ट्रीय गान गाया गया जन गण मन सब ने मिलकर गाया तब वो लोगों को बहुत पसंद आया और वो ही उस समय से जो है वो हमारे देश का राष्ट्रगान बन गया ठीक है तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ऑल दो आप लोग ये सब कुछ जानते हैं ये सब के बारे में फिर भी क्या चीज़ क्या चीज़ को सिंबलाइज करता है यह जानना ज़रूरी है इस लेसन से ये सभी पूछ सकता है कि कौन सा सिंबल क्या सिंबलाइज करता है इसके साथ ही ये लेसन कंप्लीट हो गया है जल्दी ही हम लोग नए लेसन में मिलेंगे थैंक यू